Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, hope you are fine. Before starting your lesson, you need to subscribe your school YouTube channel, the Central School, and press the bell icon button to get notification about the new upcoming videos. Today we will do question answer and self test of this unit. Today your question is, why do we use computer devices? Hum computer devices ko kyun use karte hain? First of all, let me tell you, computer devices kya hote the? Computer devices, computer parts hote the. और कितने डिवाइसेस होते हैं कंप्यूटर के डिवाइसेस? हाउ मेनी कंप्यूटर डिवाइसेस? फोर. इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस. नाउ मूव टू द आंसर. वी यूज कंप्यूटर डिवाइसेस टू एंटर द डाटा इनटू द कंप्यूटर सिस्टम, सेव द डाटा इनटू द कंप्यूटर सिस्टम, ट्रांसफर द डाटा इनटू यूजर इन्फॉर्मेशन एंड कैन रिसीव आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर. इट मीन्स हम कंप्यूटर डिवाइसेस को क्यों यूज करते हैं? एंटर करने के लिए डाटा कंप्यूटर में. थ्रो इनपुट डिवाइसेज, सेव द डाटा इनटू द कंप्यूटर सिस्टम. कैसे सेव करेंगे? थ्रो स्टोरेज डिवाइसेज. ट्रांसफर द डाटा इनटू यूज इन्फॉर्मेशन. थ्रो प्रोसेसिंग डिवाइसेज. एंड कैन रिसीव आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर. थ्रो आउटपुट डिवाइसेज. तो लेट्स मूव टू द सेल्फ टेस्ट ऑफ दिस यूनिट. इस सेल्फ टेस्ट में आप लोगों ने क्या करना है कि फिल द कलर्स इन द फॉलोइंग कीज. ये हमें कीबोर्ड दिया हुआ है, इसमें जो कीज हैं प्रोवाइड उनको आपने कलर्स करना है अकॉर्डिंग टू देयर मेंशन कलर. कलर रेड इन द की विच इज यूज टू गिव स्पेस बिटवीन द टू वर्ड्स. जब हमने दो वर्ड्स के बीच में स्पेस देंगे तो कौन सी की को यूज करेंगे हम? स्पेस बार की को. तो इसमें हम कौन सा कलर करेंगे? रेड. नेक्स्ट है कलर ग्रीन इन द की विच इज यूज टू मूव द कर्सर इन द नेक्स्ट लाइन. नेक्स्ट लाइन में मूव करने के लिए कौन सा की यूज करेंगे? एंटर की. और उसमें हमें कौन सा कलर करना है? ग्रीन. कलर ब्लू इन द की विच इज यूज टू डिलीट द कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर. लेफ्ट साइड से अगर कैरेक्टर को रिमूव करना होगा तो हम कौन से करते हैं? बैक स्पेस की. और इसमें कौन सा कलर करना है? ब्लू. कलर ब्राउन इन द की विच इज यूज टू कैंसिल अ गिवन कमांड. गिवन कमांड को कैंसिल करने के लिए कौन सा बटन यूज करते हैं? एस्केप की. और इसमें हमें कौन सा कलर करना है? ब्राउन. राइट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कीज विदाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ शिफ्ट की. अब शिफ्ट की को प्रेस किए बिना हमने जो जो की प्रेस करेंगे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा हमें वो बताना है. अब हमें कैपिटल ई क्या है दी हुई की तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? स्मॉल ए. अगर हम इसको शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? कैपिटल ए. अब टू और एट द रेट में क्या रिजल्ट मिलेगा? टू. डॉट और लेस ग्रेटर देन का साइन है तो हमें क्या मिलेगा? डॉट. ई भी कैपिटल ई के रिजल्ट में स्मॉल ई. 5% में क्या मिलेगा? 5. बी कैपिटल बी का रिजल्ट क्या मिलेगा? स्मॉल बी. अब हमारे पास ये दो ब्रैकेट स्ट्रांग हुई है. अब इसमें से बताना है एक कर्ली ब्रैकेट है और एक राउंड ब्रैकेट है. तो हमें स्क्वायर ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट में क्या मिलेगा रिजल्ट? स्क्वायर ब्रैकेट का. अब हमें ये इन दोनों में से क्या मिलेगा? ये इसका मिल जाएगा रिजल्ट क्वेश्चन मार्क और स्लैश में से स्लैश का रिजल्ट 9. और कौन सी है? राउंड ब्रैकेट है तो क्या रिजल्ट मिलेगा? 9. प्लस और इजिकल्स टू में क्या रिजल्ट मिलेगा? इजिकल्स टू. राइट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कीज विद द कॉम्बिनेशन ऑफ शिफ्ट की के साथ क्या रिजल्ट मिलेगा? ए कैपिटल दिया तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा विथ ए शिफ्ट की प्रेस करते हुए? कैपिटल ए. टू और एट द रेट का क्या मिलेगा? एट द रेट. डॉट और ग्रेटर लेस ग्रेटर साइन का क्या मिलेगा? हमें ग्रेटर साइन. कैपिटल ई का रिजल्ट मिलेगा? कैपिटल ई. फाइव और परसेंटेज में क्या मिलेगा? परसेंटेज. कैपिटल बी. अब इसमें कर्ली ब्रैकेट, क्वेश्चन मार्क, राउंड ब्रैकेट एंड प्लस साइन. नाउ मूव टू द पेज नंबर 20. इसमें फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड. इसमें से जो वर्ड सिलेक्ट किए हमें एक्यूरेट लगेंगे हमें वो राइट करने हैं. कंप्यूटर डिवाइसेज या कंप्यूटर डैश क्या आएगा? पार्ट्स. कीबोर्ड इज एन डैश डिवाइस, इनपुट डिवाइस. द बटन ऑन द कीबोर्ड आर कॉल्ड कीज. देर आर डैश फंक्शन कीज ऑन अ कीबोर्ड. कितनी कीज होती हैं? 12. फंक्शन कीज आर यूज टू गिव डैश टू द कंप्यूटर. क्या देते हैं? सर्टेन कमांड. द मेन कीबोर्ड की द डैश कीज and dash keys and dash keys and some purpose keys, special purpose keys. कौन कौन सी कीज है? अल्फाबेटिक कीज, न्यूमेरिक कीज एंड सिंबल कीज. कमांड कीज आर यूज टू गिव डैश टू द कंप्यूटर. क्या किसे यूज की जाती है? कमांड कीज, कमांड देने के लिए. कमांड कीज आर यूज टू गिव कमांड टू द कंप्यूटर. डैश की पैड इज अ बेस्ड ऑन अ कैलकुलेटर बटन. कौन सा कैलकुलेटर बटन शो करता है? न्यूमेरिक की पैड. नाउ मूव ऑन टू द डायरी. डू सेल्फ टेस्ट ऑफ यूनिट 2 pb.19-20 पेज की आपने सेल्फ टेस्ट करना है.
और लर्न एंड राइट क्वेश्चन 5 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाट आर कंप्यूटर डिवाइसेस, ये आपने नोटबुक पे राइट भी करना है और लर्न भी करना है साथ में. टुमारो विल कंटिन्यू इंशाल्लाह. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.